हेलो दोस्तों, आपको सुबलभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 14 जून 2023, आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2023 का अवार्ड किसने जीता है? और इसका सही आंसर है हैरी टेक्टर, यानी हैरी टेक्टर ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में 2023 का अवार्ड जीते हैं। ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हैरी टेक्टर। अब स्टैटिक जी के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के विजेता कौन है? शुभमन गिल, भारत के। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी 2023 के विजेता कौन है? हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2023 के विजेता कौन है? सकबुल हसन, बांग्लादेश। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल 2023 के विजेता कौन है? फखर जमान, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ में 2023 का अवार्ड किसने जीता है? और इसका सही आंसर है थिपाचा पुदबोंग, यानी थिपाचा पुदबोंग ने आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ में 2023 का अवार्ड जीता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थिपाचा पुदबोंग। अब स्टैटिक जी के आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के विजेता कौन है? ग्रेस स्क्रीवेंस, इंग्लैंड। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी 2023 के विजेता एसले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2023 के विजेता कौन है? हेनरिट इसिम्बे, रवांडा। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल 2023 के विजेता कौन है? नोरुमल चाइबाई, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नार्वे ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है हिकारू नाकामुरा, यानी हिकारू नाकामुरा ने नार्वे ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिकारू नाकामुरा। ये अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी हैं। फेबियानो कोरुआना ये उपविजेता रहे, ये भी अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है असदुल्लाह खान, यानी असदुल्लाह खान को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असदुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर है ललिता नटराजन, यानी ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 दिया गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ललिता नटराजन। जोइता गुप्ता, इन्हें हाल ही में डच नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉर्जी गोस्पोडिनोव, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बाकन जगदीश सुधाकर, यूनेस्को का मिशेल बेटिस पुरस्कार मिला इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बंबई उच्च न्यायालय में 2 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, जितेंद्र शांतिलाल जैन और फुरदेश फिरोज पुनीवाला, यानी शैलेश प्रमोद ब्रह्मे, जितेंद्र शांतिलाल जैन और फिरोज पुनीवाला, ये तीनों को बम्बई उच्च न्यायालय के 2 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अभी हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश देविकेनंद धनुका को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया ने नागरिकों को उनके घर से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए किस बहुभाषी ऐप को लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है इंडियन लीगल ऐप, यानी इंडियन लीगल ऐप को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया ने नागरिकों को उनके घर से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी ऐप को लॉन्च किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन लीगल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? और इसका सही आंसर है गुरुचरण सिंह रंधावा, यानी गुरुचरण सिंह रंधावा ने एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरुचरण सिंह रंधावा। नितिन अग्रवाल हाल ही में BSF के महानिदेशक चुने गए हैं। अरुण चावल ये फिक्की के डायरेक्टर जनरल हैं और सुबोध कुमार सिंह ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी स्पीड इंडेक्स द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का सबसे दोस्ताना शहर कौन सा है? और इसका सही आंसर है टोरंटो, यानी कम्युनिटी स्पीड इंडेक्स द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का सबसे दोस्ताना शहर कौन सा है? टोरंटो, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टोरंटो। दूसरा स्थान पर सिडनी है और दुनिया में सबसे अमित्र शहरों में प्रथम स्थान घाना है, द्वितीय स्थान मोरक्को है और तृतीय स्थान मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? और इसका सही आंसर है 45वां, यानी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 45वां स्थान है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 45वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? और इसका सही आंसर है नागालैंड, यानी हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय नागालैंड में खुला है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्यों में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, यानी भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे तेलंगाना राज्य सरकार ने यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है दोनों, कौन? विनय अडगिरी और सुरेश नागला, यानी विनय अडगिरी और सुरेश नागला को तेलंगाना राज्य सरकार ने यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों, विनय अडगिरी और सुरेश नागला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ होगा? और इसका सही आंसर है बैंकॉक थाईलैंड, यानी बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैंकॉक थाईलैंड। फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 14 जून,
यानी विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी 14 जून। अब करंट अफेयर्स रिवीजन। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया जाएगा, और इसका सही आंसर है संजय स्वरूप। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रितु कलरा। एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद। युगांडा में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, उपेंद्र सिंह रावत। सिडको के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है, अनिल दिग्गीकर। नेक्स्ट, इंडियन पैडल फेडरेशन ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, पुलेला गोपीचंद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सूरीमान। पश्चिम बंगाल के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, राजीव सिन्हा। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को डच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जयता गुप्ता। नेक्स्ट, यूनेस्को का मिशेल बेटिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने, बाकन जगदीश सुधाकर। ब्रिटेन में किसे सिख ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विक्रमजीत सिंह साहनी। मिस वर्ल्ड 2023 के 71वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान हासिल किया है, केरल। पहला भारत फ्रांस यूएई समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, पीटर एल्बर्स। किसे क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बी अनंत रमन। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के गोविंद राज। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, आर एन जयप्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है, अमरेंदु प्रकाश। अब प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन यानी पिछले परीक्षाओं में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न। चेचक के करणियो जीव क्या है, बेरियोला वायरस। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, 21 नवंबर 1947 को। प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था, 13 मई 1952 को। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल। दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर किसने बनवाया था, और इसका सही आंसर है बिमल शाह। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।